अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदे स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। चेयरमैन अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने खुद बता दिया बहाली को लेकर, क्योंकि जो अक्सर स्टूडेंट जो परेशान से बहाली को लेकर, वो अभी बहुत ही बड़ी एक खबर आई है जिसे आप ब्रेकिंग न्यूज़ बता सकते हैं। क्योंकि अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने खुद बताया बहाली को लेकर कि कब तक बहाली होगी, कैसे होगी। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, अगर आपने किसी भी पार्ट्स को स्किप कर दिया तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, अभी अभी की एक बहुत ही बड़ी जो खबर ये आ रही है कि अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने खुद बताया बहाली को लेकर कि बहाली जल्द से जल्द होगी। अभी अभी उन्होंने फौरन बताया कि अभी जो बहाली होगी वो जल्द से जल्द बहाली होगी। उन्होंने टाइम यानी कि मंथ या फिर टाइम का उन्होंने नहीं बताया कि कौन से तारीख या फिर कौन से महीने में शुरू होगी, बट उन्होंने फौरन ये बताया कि बहाली जो होगी बिहार मदरसा बोर्ड में वो जल्द से जल्द शुरू होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक कोई भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि बहाली बिहार मदरसा बोर्ड में करेगा कौन, या फिर चेयरमैन करेंगे, या फिर बिहार स्टेट यानी कि बिहार सरकार करेगा, या फिर सेक्रेटरी करेगा। अभी तक उसको लेकर उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि अब बहाली कौन करेगा। मगर इससे जो अभी साफ साफ जो सबसे अहम जो खबर ये निकल कर आ गई, क्योंकि जो अक्सर बच्चे जो परेशान थे बहाली को लेकर, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई, क्योंकि चेयरमैन खुद अपने उन्होंने बता दिया कि बहाली मदरसे में होगी। क्योंकि अक्सर बच्चे का ये कहना था कि शायद इस साल बहाली नहीं होगी, या फिर होगी भी तो लास्ट तक होगी, दिसंबर या फिर जनवरी तक होगी। क्योंकि मैं आपको अक्सर वीडियो में यही बताया हूँ कि आपकी जो बहाली मई के मंथ में शुरू हो जाएगी। अब अभी अभी की एक खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ आखिरकार आ गई कि जो बहाली आपकी जल्द शुरू होगी। उन्होंने अभी तक टाइम या फिर डेट या फिर डे के बारे में नहीं बताया कि कौन से डे से शुरू होगी, या फिर कौन से डेट से, या फिर कौन से मंथ से होगी। बात उन्होंने डायरेक्ट ये बताया कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली जल्द से शुरू होगी। अब देखना होगा कि बहाली कब से शुरू होती है, मगर जो मेरी ओपिनियन या फिर मेरी जो राय यही है कि बहाली जो होगी वो मई के मंथ से इंशाल्लाह जल्द से शुरू हो जाएगी। मई में नहीं हुई तो फिर मई के बाद जून में तो हर हाल में बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली शुरू हो जाएगी। मगर बिहार मदरसा बोर्ड में मई के मंथ में ही ऑफिशियल लेटर आएगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही अहम खबर थी। जैसे ही बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कोई न्यू अपडेट देते हैं, मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही चेयरमैन को लेकर बहाली को लेकर कोई भी अपडेट वो देते हैं, मैं सबसे पहले आपके पास पहुँचाऊँगा। वो ऑफिशियल लेटर से लेकर हो, या फिर बहाली किस प्रोसेस से होगी, या फिर बहाली कब तक शुरू होगी, सभी वीडियो या फिर सभी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।